हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरे चैनल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोलना चाहूंगा। मेरे इस चैनल में मैं क्लास 10 का मैथ्स का फुल कोर्स करवा रहा हूं। जिस किसी को भी क्लास 10 का मैथ्स का फुल कोर्स करना है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज मेरे साथ बने रहिए। आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाने वाला हूँ। इसके अगले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग को निकालना है। कौन किसका? क्वेश्चन नंबर 1 में जितना भी टर्मिनेटिंग नंबर था वो सबका हम लोग को डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में, 13 by 3125 को फिर से फैक्टराइज करेंगे। अगले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग ने फैक्टराइज ही किया था। तो 65 देन 5 से फिर से होगा तो 125 देन 5। तो हमारा ये आ गया, जो डिनोमिनेटर था उसको फैक्टराइज हम लोग ने कर लिया है। क्या आया हमारा 5 से तो 5 to the power 5। देन देखिए हम लोग क्या करना है, यहाँ पे 13 इंटू क्या किया हम लोग ने, 5 to the power 5 लिखा है। तो यहाँ पे 2 to the power 5 से ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है हम लोग को। देन देखिए क्या करना है, 13 इसको एक्सपेंड कर देता है, 2 to 2 क्या हो जाएगी, 5 2s हो जाएगा, 1 2 3 4 5। देखिए इसको हम लोगों ने 2 to the power 5 से ऊपर नीचे क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हम लोग को ये जो है, देखिए इसको क्या करना है हम लोग को, ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए 5 into 2 सिर्फ पावर को कॉमन ले लिया है। तो हमारा ये क्या हो गया, 10 का फॉर्म में आ गया। 5 into 2 मतलब हमारा 10 आ जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने ये किया है, क्योंकि सेम पावर का नंबर होगा तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं मल्टीप्लाई में हो तो। देन देखिए ऊपर वाला कैलकुलेशन करके आएगा हमारा कितना आएगा, 416 divided by 10 to the power 5। दैट मीन्स 10 to the power 5 का मतलब हो गया हमारा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा जीरोस पुट कर दे रहा हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा जीरोस पुट करने से इसका कोई वैल्यू का कोई चेंजेस नहीं होगा, तो हम लोग पुट कर सकते हैं। क्यों किया है यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 जीरोस है, 5 0 देखिए, 5 0 के लिए यहाँ पे हम लोग को 5 digit चाहिए, 1 2 3 4 5। तो हमारा ये 5 digit का पहले पॉइंट पुट हो जाएगा, तो 0.00416। तो ये हो गया हमारा नंबर 1 का डेसिमल एक्सपेंशन। देन नंबर 2 करेंगे सिमिलरली। देखिए हमारा नंबर 2 में क्या है, 17 by 8। और एक बात, हाँ यहाँ पे जितना भी टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर का ही हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। तो इसीलिए जो भी टर्मिनेटिंग नंबर है, यहाँ पे हमारा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 6, नंबर देन नंबर 9 हो गया हमारा टर्मिनेटिंग नंबर। ये सब नंबर का हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे निकालेंगे। तो नंबर 2 का एक्सपेंशन निकालते हैं। देखिए डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 8 है, तो 8 को फैक्टराइज करेंगे 2 to 2 3 2 आ रहा है, मतलब 17 by 2 to the power 3। तो यहाँ पे इसका अगले वाले क्वेश्चन में हम लोग 2 to the power 5 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को 5 का क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 का क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 17, 5 का क्यूब मतलब 125 यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब जो है उसको बाहर कॉमन ले लेंगे पावर का जगह में। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन जैसे यहाँ पे भी कर रहा हूँ मैं। देखिए देन क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 2125 divided by 10 का क्यूब। 10 का क्यूब करेंगे तो हमारा आएगा 2125 divided by 10 क्यूब मतलब 1000।
ठीक है, जितना क्यूब होगा 10 का पावर जितना होगा हमारा सिर्फ जीरो उतना ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10³ है तो मतलब 30 होगा। इसका अगले वाले क्वेश्चन में 10⁵ था तो इसलिए मैंने 1 के बाद 50 लिखा था। तो देखिए यहाँ पे कितना जीरो है, 30, तो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, 1, 2, 3, 3 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, मतलब 2.125 हमारा हो गया आंसर। ये हो गया हमारा नंबर 2 का डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए नंबर 4 में क्या था हमारा, 15/600 था, तो डिनोमीटर 600 था तो इसको फैक्टराइज किया तो क्या आया, 6 2s आया और 5 2 5s आया, तो इसलिए 2^6 × 5 2 लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 6 है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऊपर डिनोमीटर और न्यूमीटर बोथ को हम लोग को 5 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमारा तो क्या हो गया, ये 2 + 4 = 6 हो गया, तो इसलिए हम लोग 5 4 से बोथ न्यूमीटर और डिनोमीटर को मल्टीप्लाई कर दिए हैं। देन इसको फिर से कैलकुलेशन करना है, 15 × 5 4 देखिए हमारा क्या आ रहा है, 2^6 × 5 = 4 है, तो हमारा क्या हो जाता है, पावर का अगर मल्टीप्लीकेशन होता है तो ऐड हो जाता है, तो इसलिए मैं ऐड कर दिया हूँ। अब देखिए ऊपर वाला मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई करके हमारा आ रहा है 9375 हमारा आएगा ऊपर का मल्टीप्लाई करके, और नीचे हो गया 2^6 × 5 = 9375 / पावर फिर से कॉमन ले लेंगे तो पावर क्या हो गया हमारा, कॉमन चला गया, तो देन हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 9375 / 10^6 मतलब 1 2 3 4 5 6 60 होगा 1 के बाद। ठीक है, देन ये कितना डिजिट है, 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे भी 3 0 एक्स्ट्रा पुट कर देते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन हम लोग को ईजी करना है। तो देन कितना जीरो है, 1 2 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब हो जाएगा 0.00935। देखिए हमारा इसका कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए मैं सिर्फ एक्स्ट्रा जीरो जो है ऐड कर रहा हूँ और कोई बात नहीं है। ठीक है, देन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमारा पहले से ही पावर का फॉर्मूला दिया हुआ है तो इसको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे देखना है पावर कैलकुलेशन करके पावर सेम है कि नहीं, तो देख यहाँ पे हम लोग का एक कम है तो कुछ नहीं करेंगे, 23 जो है सेम लिख देते हैं पहले, देन बोथ डिनोमीटर और न्यूमीटर बोथ को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब और फिर से कैलकुलेट करेंगे 23 × 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 115, देन 2³ और 5 2 और 5 का पावर यहाँ तो कुछ नहीं है, मतलब 5 का पावर 1 है, देन 2 + 1 क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, 5 भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 115 डिवाइड बाई 2 × 5 का क्यूब, देन 115 डिवाइड बाई 5 × 10 का क्यूब क्या होगा, ये 115 डिवाइड बाई 10³ मतलब 1000, देन 30 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कहाँ पे पॉइंट आएगा, 1 2 3 मतलब स्टार्टिंग में हम लोग का पॉइंट आएगा, मतलब 0.115 ये होगा, हो गया हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। देन हम लोग नंबर 9 करेंगे। देखिए नंबर 9 में हमारा क्या था, नीचे डिनोमिनेटर 50 था, तो 50 मतलब 5² × 2 हम लोग का फैक्टराइज करके आ रहा है, 5² और 2 आ रहा है, तो 35 × 5² ×
तो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर बोथ को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या होगा, 5 का पावर 2 था तो 2 का पावर भी 2 हो जाएगा। देखिए तो 35 इंटू 2 मतलब 70 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर देन 70 डिवाइड बाई 5 इंटू पावर को कॉमन ले रहे हैं तो 70 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 2। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा। देन हम लोग क्या करना है, 70 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो ये जीरो कैंसिल हो गया ना, तो 7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.7। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का डेसिमल एक्सपेंशन, हम लोग का यहाँ तक ही जानना था इसको क्वेश्चन नंबर 2 में। आई होप आप लोग को ये जो भी सॉल्यूशन था क्लियर हो गया होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और इसके रिलेटेड कोई भी आप पर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल दीजिए, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।